आपको मौका मिले अभी कि आपको यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करोगे उसको ऑफर को? नहीं करोगे? रुको जरा, सबर करो। बाबर आजम को बताते हैं, वो सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप? इससे काम है, तू उधर घूम रहा है। पाकिस्तानी लड़की रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या मतलब पाकिस्तान से अगर आपको कुछ लाने को मौका मिले तो क्या ले आना चाहोगे आप? दुनिया भर की लड़कियां। तो भाई हम आए थे दिल्ली में कनॉट प्लेस में, और यहाँ पर जो हमें बहुत सारे युवा लड़के लड़कियाँ मिले भाई, बिल्कुल यंगस्टर। अब इनसे पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोज आती है कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में भाई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की लड़कियाँ पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रही है, चलिए जानते हैं इन लोगों से। तो आ जाओ भाई, कैसे हो आप लोग? भाई थोड़ा सा उधर घूमोगे कैमरे की तरफ आप? भाई मैं तो स्मार्ट हूँ, आप बताओ। अरे बढ़िया भाई, बढ़िया, हम डिजिटल है भाई। तो आज आए भाई यहाँ पे, हम सारे यूथ हैं भाई, उधर घूम सकते हो आप? नहीं, मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई है भाई, इनकी शादी हो गई है। तो भाई हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है, रियान कहते हैं। फुरकान है, वैसे रियान कहते हैं। रियान है भाई। तो भाई पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप? इससे काम है, तू उधर घूम रहा है। पाकिस्तानी लड़की? पाकिस्तानी लड़की रात नहीं, मेरा माल है वो। भाई पाकिस्तान में मतलब क्या पसंद है आपको? पाकिस्तान में क्या पसंद है भाई, मैंने इतना जाना नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो बता नहीं सकता। कुछ पता तो होगा भाई थोड़ा बहुत। नहीं पाकिस्तान नहीं गया ना, आप गए होगे तो आपको पता होगा। आंटी लवर, तुम क्या बोलोगे भाई पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पसंद है पाकिस्तान से? अगर आपको कुछ लाने को मौका मिले तो क्या ले आना चाहोगे आप? दुनिया भर की लड़कियाँ। तो भाई भाई घूरी लेके आएंगे वहाँ से। तो भाई आप क्या ले आना चाहोगे? सीमा है इधर, वो तो लिया है भाई, सचिन लिया है। दोबारा ले आएंगे। आंटी लवर, आंटी लवर है ये भाई। तो भाई आपको पता है पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। आटे के लिए वहाँ पे आर्मी खड़ी रहती है, अगर वहाँ पे आटा मिलता ना तो। आपने सुना इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या हालचाल है पाकिस्तान के? हाँ पर आटा दे दूंगा मैं तो भाई, इनको पता है क्योंकि भाई पाकिस्तान में आटे की बहुत किल्लत होगी थी पीछे। हाँ। और जो आटा मिलता कोटे में वहाँ पे भाई 2 किलो आटा मेरी तरफ से। तो भाई 2 किलो आटा पाकिस्तान को देंगे भाई, भाई को ध्यान से देख लो। डियर पाकिस्तान, पैर छुओ पापा के। तो भाई मतलब पाकिस्तान वाले बोलते हैं, जो बाबर आजम है ना, उनका पता क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत? तो बाबर आजम को बताते हैं, वो सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर है। क्या बाबर घंटा है? तो भाई आप क्यों नहीं बोल रहे उस बारे में, पाकिस्तान से अलग प्यार है आपको? पाकिस्तान से प्यार प्यार नहीं है भाई, मैं इतना जानता हूँ तो मैं इतना बोल नहीं सकता ना। करस पाकिस्तान से भी बदतर हो रहे, बेहतर हो रहे। देखो मेरा मानना क्या है ना, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी सही, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कहना चाहिए किसी भी देश को। सीधी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है हम जानते नहीं है, हम कह नहीं सकते। आजकल क्या है देखो, जैसे इस तरीके से हम लोग बोलेंगे उस तरीके से दूसरी कंट्री के लोग हमारे बारे में बोलते होंगे, ठीक है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते नहीं इतना। 7 करोड़, ठीक है। तो भाई इन भाई ने भाई बहुत प्यार की, अमन की, अमन का पैगाम दिया इन भाई ने पाकिस्तान के लिए। तो डियर पाकिस्तानियों, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग रहते हैं इन भाई जैसे, और रियान नाम है भाई का, ठीक है। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। इन मैडम से पूछेंगे, भाई ये विपड़ी लिखी लग रही है मुझे। मैम आपका क्या नाम है? सेम नाम आपका? वर्षा नाम है, रेन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वर्षा करवा दो। पढ़ाई वढ़ाई क्या तक किया आपने? अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही है मैडम? बीए कैसी कर रही हूँ? सिंपल प्लेन, टैप मत करना। मसालेदार बीए कर रही है भाई, मतलब होते ना सब्जेक्ट वगैरह। तो आप मतलब पढ़ते होंगे थोड़ा बीए में, आपके पॉलिटिकल साइंस वगैरह आती है, एंड पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप? अगर एजुकेटेड उसे देखे तो पाकिस्तान और इंडिया का अभी गुड वो नहीं रहा, मतलब बेकार रिलेशन नहीं रहा। हाँ, लेकिन हम किसी कंट्री के बारे में नहीं बोल सकते जब तक हम उसके बारे में जान ना लें। हमारी जो बुक्स है उन सब में यही लिखा हुआ है कि उनकी तरफ से और हमारी तरफ से कभी भी गुड रिलेशनशिप नहीं रहा है। नहीं, कंडीशन हाँ। कैसी मतलब पाकिस्तान के अंदर? अगर आपको मौका मिले अभी कि आपको यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करोगे उसको ऑफर को? नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे, मतलब क्यों नहीं करोगे, क्या कमी है वहाँ पे? भाई पढ़ रही होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो भाई जाना आपने, हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, और बड़ा अच्छा मैसेज था भाई, कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज क्या कुछ है? मतलब वहाँ पे ना एक 72 हूरों का कॉन्सेप्ट होता है, 72 हूरे मिलेंगे वगैरह कुछ, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? 72 हूरे, 72 हूरे मिलते ना,
अरे हूरे 1772 हूरे को बोले तो भाई व्हाट्स एंड गर्ल्स मैंने सुना है कि वहाँ पे ना एक पाकिस्तान में एक ऐसा देश है मतलब कि गांव है या देश जो भी है हाँ। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत मतलब हो रहे लड़कियाँ रहती हैं ठीक है बहुत अब वो ऐसे कुछ कैलाश नाम है सबसे खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ रहती है वहाँ पे सबसे ज्यादा खूबसूरत तो भाई सुना आपने इंडिया के जो तो बम भी बनाते हैं बम क्या बनाते हैं भाई बम बम बनाते भाई ऐसा बोल रहे हैं बम भाई भाई तो भाई बहुत हमारे जो बच्चे भाई बहुत नोटी हो रहे हैं तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय कमेंट की बनी है।